25 अक्टूबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण मेले को लेकर कुरुक्षेत्र में प्रशासन की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। वहीं प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि इस मेले में 5 से 10 लाख लोग पहुंचने वाले हैं। जहां एक ओर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, वहीं हरियाणा पुलिस के DGP ने आज मेला स्थल पर पहुंचकर पुलिस के तमाम अधिकारियों के साथ मेला स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान DGP ने सुरक्षा ड्यूटियों पर तैनात कर्मचारियों को भी दिशा निर्देश दिए। साथ ही निरीक्षण करने के बाद ब्रह्म सरोवर पर शाम को होने वाली आरती में भी शामिल हुए। सूर्य ग्रहण मेले को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को जहां एक और चाक चौबंद कर दिया है, वहीं इस अवसर पर विभिन्न जिलों से आए जिला पुलिस के करीब 5000 महिला एवं पुलिस जवानों को सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात भी किया गया है। मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस कर्मचारियों की दिन और रात में शिफ्ट लगाई गई है। मेले में इस दौरान CCTV भी लगाए गए हैं और उससे आपराधिक गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। कुरुक्षेत्र पुलिस तथा हरियाणा पुलिस की ओर से दिवाली के शुभ अवसर पर सबको जो है वो शुभकामनाएं देता हूं और यह भी आशा करता हूं कि आने वाले कुछ दिन ये यहां का सूर्य ग्रहण का मेला वो दिवाली हर्षोल्लास से सब लोग मनाएंगे। बता दें कि सूर्य ग्रहण मेले में भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए सुरक्षा मुहैया करवाने के साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए है। साथ ही प्रशासन द्वारा मेले को ध्यान में रखते हुए मेला क्षेत्र को 20 सेक्टरों में बांटा गया है ताकि कहीं पर भी समस्या आने पर प्रशासन द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए लोगों की मदद की जा सके। पंजाब KSU TV के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।